अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी में एक साइट पर मौजूद हूँ। यहाँ पे हमने 10 किलो वाट का सिस्टम लगाया है। आप मेरे पीछे ये सोलर पैनल्स देख रहे हैं, ये कैनेडियन के टॉपकॉन एंटी बाइफेशियल 630 वाट के पैनल्स हैं और हमने यहाँ पे 16 पैनल्स लगाए हैं। ये आपको 4 सेट्स में लगे हुए नजर आ रहे होंगे और इन पैनल्स को लगाने के लिए हमने स्पेशल एलुमिनियम के फ्रेम्स तैयार करवाए हैं जिनको मिड और एंड क्लैंप्स की मदद से लगाया गया है और ये 10 किलो वाट का सिस्टम है। और ये जो साइट है ये एक्स चीफ सेक्रेटरी पंजाब जनाब सैयद मुबशर रजा साहब की साइट है, वहाँ पे हमने सिस्टम लगाया है। और ये जो सोलर पैनल्स हैं 630 वाट के, इनकी खास बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा करंट जनरेट करते हैं और इस करंट को लेने के लिए इसके साथ इन्वर्टर की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको अब इन्वर्टर के हवाले से भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे हमने कौन सा इन्वर्टर इस्तेमाल किया। ये देखिए जी, हम आपको दिखा रहे हैं, हमने उन पैनल्स के साथ जो इन्वर्टर लगाया है वो ये गुडली का 10 किलो वाट का इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर की खास बात यह है कि इसका जो स्ट्रिंग करंट है वो 22 एम्पीयर्स है। मार्केट में इस वक्त यही इन्वर्टर है जो इतना करंट ले सकता है। इसके अलावा जितने भी नॉर्मल इन्वर्टर हमारे पास हैं, चाहे वो ग्रो वाट हो, हुआवी हो, इनवरेक्स हो, ग्रो, जितने भी हैं, वो सब मैक्सिमम यानी कि 13 से लेकर 16 एम्पीयर की रेंज में आते हैं। तो ये 22 एम्पीयर का इन्वर्टर है जो कि हाई पावर पैनल्स के साथ काम करता है। उसके साथ आप ये देख रहे हैं कि ये हमने एक बाईपास लाइन लगाई है, ये 5 किलो वाट की बाईपास लाइन है जो कि लोड शेडिंग में भी इस घर का लोड चलाती रहेगी। उसके साथ आप देख रहे हैं कि ये डीबी लग रही है और इसमें सब हमने क्वालिटी के, बड़ी अच्छी क्वालिटी के ब्रेकर्स, एसपीडीज और ये वोल्टेज एम्पेयर प्रोटेक्शन और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये बेहतरीन क्वालिटी के। ये देखिए, हम ग्रीन मीटर पे इनकी रीडिंग्स देख रहे हैं। 8 दिन हो गए इनके सिस्टम को चलते हुए और अगर हम देखें तो ये देखिए, ये आज की डेट आ गई 19 सितंबर 2024 और उसके बाद 3 नंबर पे इस वक्त का टाइम आ जाएगा। ये देखिए जो टाइम है ये 4:02 है, 4:02। उसके बाद 4 नंबर पे अब तक जिन्होंने इंपोर्ट की है, टोटल इंपोर्ट है 164 यूनिट्स और जो इनकी टोटल एक्सपोर्ट है वो है 321 यूनिट्स, यानी कि इनकी एक्सपोर्ट माशाल्लाह बहुत तेज़ जा रही है। और उसके बाद 6 नंबर पे 48 यूनिट्स, यानी कि पीक टाइम इन्होंने 48 यूनिट्स इंपोर्ट किए हैं और 7 नंबर पे जीरो, ये जीरो ही होती है क्योंकि पीक टाइम में एक्सपोर्ट नहीं होती। और उसके बाद ऑफ पीक टाइम पे इंपोर्ट है 116 यूनिट और उसके बाद जो ऑफ पीक टाइम की एक्सपोर्ट है वो है 321 यूनिट्स। तो इस लिहाज से इनका जो बिल आएगा ये बहुत बड़ा क्रेडिट होगा, यानी कि ये नेगेटिव पे इनको बिल आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस वक्त हैं जनाब सैयद मुबशर रजा साहब के साथ जो कि एक सबका सीनियर सिविल सर्वेंट हैं और इनकी साइट पर हमने 10 किलो वाट का ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग का सिस्टम लगाया है। आज हम इनके तासुरात मालूम करना चाह रहे हैं। सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपने हमारे काम के हवाले से हमारी क्वालिटी और हमारे काम की रफ्तार को कैसा पाया? सदीकी साहब, मैं बहुत बेहद मुतमिन हूँ, इसलिए कि मैंने जब आपसे रब्ता किया था तो ये रब्ता बगैर किसी रेफरेंस के था, लेकिन आपने जिस तरीके से रिस्पांस दिया और जो कमिटमेंट आपने पूरी की, मेरा ख्याल है कि इट वाज हाइट ऑफ प्रोफेशनलिज्म ऑन योर पार्ट। हम बेहद मुतमिन हैं आपके काम से और दूसरा, आई बिलीव के लोग आपके तरीक़ेकार से सीखें कि जो आप कहते हैं वैसे ही आप अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, ये बताइए कि हमने आपके यहाँ पे जिस तरह ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग का सिस्टम आपको लगा के दिया और इसमें सर खास बात ये थी कि हमने आपको 630 वाट के पैनल्स लगा के दिए कैनेडियन के। आमतौर पे मार्केट में लोग जो है ना वो अभी 585 वाट के पैनल लगाते हैं, लेकिन ये चूंकि नई जनरेशन की चीज़ है, हमने ये पैनल आपके लिए सिलेक्ट किए और इसके साथ इन्वर्टर की सिलेक्शन की। सर, अब ये बताइए कि जो जनरेशन अल्टीमेटली आपको मिली उसके हिसाब से आपका तजर्बा क्या है कि अगर हमने आपको 10 किलो वाट के पैनल्स लगा के दिए तो क्या वाकई इन्होंने आपको किसी भी पॉइंट पे 10 किलो वाट या उससे बेहतर जनरेशन दी? देखिए साहब, मैं इसको गाय बगाय देखता रहता हूँ। आज कल पैनल्स को जब हमने साफ किया रफली आफ्टर ए वीक, तो मैं आज सुबह की जनरेशन देख रहा था कि फुल पीक आवर्स में ये जनरेशन 10.65 kVA तक गई है। ये हमारे एक्सपीरियंस जी जबरदस्त, यानी कि सर मोर देन 100% इसने आपको जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसे 100% प्लस, क्योंकि सर आमतौर पे लोग ये कहते हैं जिन लोगों ने सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं कि जी उनका जो मैक्सिमम पीक पॉइंट आता है वो 80-85% का आता है, तो जो सिस्टम हमने आपको लगा के दिया तो उसमें आपको 100% प्लस का पीक पॉइंट मिला। ये मुझे भी इस बात पे हैरत है क्योंकि लेकिन पैनल साफ थे और ये सारा डेटा मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि एक टाइम के ऊपर जनरेशन 10.65 थी जब आसमान बिल्कुल क्लियर था
और कल हमने पैनल भी साफ किए थे। और सर सरप्राइजिंगली अभी ये कोई यानी कि पीक गर्मी का मौसम नहीं है, यानी कि ये वो टाइम है जबकि हम ग्रेजुअली अब हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, और इस मौसम में भी पैनल्स की इतनी अच्छी जनरेशन ये बताती है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट समर्स में हम इससे बेहतर जनरेशन ले सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग सिस्टम है उसके साथ एक बाईपास लाइन भी लगवाई, तो उस बाईपास लाइन के हवाले से आपका अब तक एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, इस बाईपास लाइन को एक दफा हमने ट्रायल दिया था जब हमारा पावर शट डाउन हुआ था, और आपने जिस तरीके से इस सर्किट को डिजाइन किया तो ड्यूरिंग दैट शट डाउन हमें पावर सप्लाई मुसलसल जो है ना वो बहाल रही है थ्रू द सोलर पैनल्स। थैंक यू सर। ये बताइए कि आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि सिस्टम लगा देना तो एक चीज है, लेकिन उसके बाद जो इंस्टॉलेशन के बाद जो एक सर्विस है, उस हवाले से रिस्पांस लेने में और सर्विस लेने में आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ा? मुझे आज तक कभी आपसे मायूसी नहीं हुई। सो नाइस सर, बहुत शुक्रिया, इसी तरह से आपके साथ ताल्लुक रहेगा, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।